इंदौर में कांग्रेस ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। कांग्रेस ने 45 वादों की लिस्ट जारी की। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने कहा कि निशुल्क कोचिंग योजना अधूरी है, स्टार्टअप सर्विस लेन समेत कई वादे अधूरे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी से हिसाब मांगते हुए कई आरोप लगाए। इंदौर का महापौर चुना था और ये मुख्यमंत्री के सपनों का शहर है, जिसमें उन्होंने महापौर जिनको चुना है उनके कार्यकाल का एक वर्ष 4 अगस्त 2 दिन बाद पूर्ण होने वाला है। इस एक साल में उन्होंने 45 घोषणाएं की थी महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी ने और उनके साथ मुख्यमंत्री जी ने। अनेक सपने दिखाए थे कि एक ऐसा इंदौर बनेगा जो IT का हब हो जाएगा, जहाँ वाईफाई 154 पे मुफ्त मिलेगा, जहाँ आवागमन के साधन इतने आसान हो जाएंगे कि लोग ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। ऐसे अनेक बिंदु, लगभग 45 बिंदु, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए निशुल्क कोचिंग रहेगी, 100 से ज़्यादा गार्डन बनेंगे जहाँ जिम या अन्य एक्सरसाइज की व्यवस्था, पुस्तकालय, वाचनालय या अन्य ऐसी चीज़ें जो जनहित उपयोगी हैं। इन 45 घोषणाओं में से हमारे सम्मानीय महापौर एक भी घोषणा पूर्ण नहीं कर पाए, एक भी घोषणा। आज जो 45 प्रश्न इनको जारी किए हैं, अगर ये एक भी बात का सही जवाब दे देते हैं या ये भी बता देते हैं कि जो घोषणा करी उसमें 2% काम भी हुआ है, तो हम मान लेंगे कि ये एक अच्छे महापौर हैं।